उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर सोरतगढ़ में स्थित शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा चुका है। प्रत्याशियों के चेहरे स्पष्ट होने के साथ ही छात्र छात्राओं में भी काफी हर्षोल्लास का माहौल है। आगामी 23 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें अब देखना होगा कि अध्यक्ष पद का ताज किसके सर सजेगा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, आप सब जानते हैं कि हमारे विद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने वाला है। इसमें बहुत सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं और सभी प्रत्याशी जितने भी सब उठे हैं सबका स्वागत है। और इसमें जो भी विजयी होंगे, हम यही कहेंगे कि जो भी विजयी होंगे वो ईमानदारी से हर काम करेंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मुद्दा मेरा ये है कि मतलब जो भी हो प्रत्याशी, जो भी उठे और जो भी जीते इसमें, वो पूरा ईमानदारी और अपने ईमानदारी से कार्य करे और पूरा जो भी छात्र हित में हो उसे मतलब उसको करे काम, उसका छात्र हित के लिए। एक छात्र इसकी मांग बहुत दिनों से कर रहे थे, अतः प्राचार्य जी ने संज्ञान में लेते चुनाव की घोषणा की है। मैं महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया हूँ। तो आप जैसा जानते हैं, चुनाव अधिकारी की एकमात्र जो प्राथमिकता होती है वो चुनाव सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, वही मेरी भी प्राथमिकता है।